हरियाणा के घरौंदा में कोरोना महामारी को लेकर जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स ने बैठक की। इंडो इजराइल सब्जी उत्पादकता केंद्र पर शहर के सभी डॉक्टर्स ने बैठक की और कोरोना से लड़ने की रणनीति भी बनाई। डॉक्टर्स ने कोरोना के इस दौर में एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। वहीं बैठक में शामिल डॉक्टर्स ने अपने अपने सुझाव भी दिए। बैठक में शामिल हुए डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा, कोरोना महामारी से लड़ने में सभी को नैतिकता से कार्य करना होगा। इस महामारी से बचने में डॉक्टर्स अहम रोल अदा कर रहे हैं। तालमेल बिठाकर काम करना बेहद जरूरी है। विधायक ने सभी डॉक्टर्स से अपील करते हुए कहा कि इस महामारी से लड़ाई में अगर किसी प्राइवेट अस्पताल के सुविधाओं की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए सभी मिलकर सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी अस्पताल की ओपीडी में कोरोना संक्रमण से पीड़ित कोई मरीज आता है तो इसकी सूचना तुरंत घरौंदा एसएमओ को दी जाए। घरौंदा क्षेत्र के जो डॉक्टर हैं उनके साथ आज एक ये जो बैठक रखी है और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सबसे एक चर्चा करनी कि कैसे ये कोरोना के समय में जो स्थिति जो उत्पन्न हुई है इसमें सब एक बहुत जिम्मेवारी के साथ इस समय को गुजारें, क्योंकि डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल समाज के लिए एक होता है और आज का जो समय है इसमें सबसे अगर अहम रोल किसी का है तो वो डॉक्टर्स का और मेडिकल से जुड़े हुए लोगों का है। और साथ साथ आने वाले दिनों में जब कोई लॉकडाउन में ढील भी होगी और मूवमेंट उसके बाद बढ़ेगी, उसके बाद भी बहुत से ऐसे एहतियात हैं जो रखनी जरूरी है और अस्पताल जितने भी हैं वो हॉटस्पॉट्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए और ज़्यादा जागरूकता रखते हुए और ज़्यादा एहतियात रखते हुए जहाँ डॉक्टर्स को सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है वहीं उनको आने वाले लोगों के ऊपर नज़र भी रखनी है, उनमें एक जागरूकता भी फैलाने का काम करना है और कोई भी ऐसा संदिग्ध अगर कोई पेशेंट है तो तत्परता से उसकी जानकारी प्रशासन को दी जाए। ये एक बहुत बड़ी एक भूमिका, एक जिम्मेवारी की भूमिका ऐसे रहने वाली है। तो ऐसे विषयों पर बहुत सारी ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा हुई है और उसमें किस तरीके से प्रशासन का सहयोग, किस तरीके से डॉक्टर्स को चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात हुई है कि घरौंदा क्षेत्र के जितने भी डॉक्टर हैं उन सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें हमारे लोकल SDM, हमारे SMO, हमारे SHO, हमारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी उन सबको भी इसमें जोड़ा जाएगा ताकि डॉक्टर्स की कोई भी किसी तरह का कोई विषय है, कोई जानकारी है या कोई उनको किसी तरीके की दिक्कत है तो तुरंत उसको साझा किया जाए और उनको अगर कोई तकलीफ है तो उसको भी दूर किया जाए। एज ए टीम सब मिलकर इस समय में ये जिम्मेवारी को निभाएं, उस नाते से आज की ये बैठक बहुत ही, अभी सब रेगुलर अपने अस्पतालों में OPD अभी अपने शुरू करें और समय समय पे जैसे ज़रूरत होगी वैसे समय भी बढ़ाया जा सकता है या संबंधित डॉक्टर से संबंधित और भी कोई ऐसा विषय आता है वो भी अगर कभी कोई चर्चा करके कोई उसमें फैसला लेने की बात होगी तो वो भी फैसला शासन लेगा। ऑटोमेटिक मिजाजिक ने सभी प्राइवेट डॉक्टर्स की और हमारी गवर्नमेंट डॉक्टर्स की बुलाई थी, तो जैसे कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स तो 24 आवर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं OPD और एमरजेंसीज के लिए, तो प्राइवेट डॉक्टर्स ने ये कहा था कि उनको टाइम बढ़ाया जाए, जो डॉक्टर्स हैं उनको कोई स्पेशल परमिशन दी जाए या स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाए, तो उसके बारे में विचार विमर्श हुआ। इसमें एक मुद्दा ये भी था कि केमिस्ट की दुकानों का टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन MLA साहब ने जो निर्देश दिए हैं कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके लिए तो कोई पाबंदी पहले भी नहीं है, अभी भी नहीं है। अगर और किसी को परमिशन चाहिए तो प्रशासन से बात करेंगे और जैसा भी निर्देश आएगा उसकी उनको जानकारी दे दी जाएगी। बजाज जी ने रिक्वेस्ट की, SDM साहब ने रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने अपना वॉलंटरी कोई हाँ नहीं भरी कि हाँ मैं आके दूँ, और हमारे गवर्नमेंट में डॉक्टर्स हैं, हम सफिशेंटली अपना काम करें। प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए है, उनको इंस्ट्रक्शन भी दी कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के वो अपना काम करें, पेशेंट की जो जरूरत है उसके मुताबिक दें। अगर उनको फ्लू टाइप कोई पेशेंट लगता है कि जिसमें संभावना हो सकती है कि लक्षण हो या बीमारी हो सकती है तो ऐसे पेशेंट को डायरेक्ट करनाल भेज सकते हैं या हमारे SMO के द्वारा हम उनको भेज देंगे, हमारे को मैसेज दे सकते हैं।